टाइम राइट नाउ इज 10 AM. आज सुबह में एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया उठना. नॉर्मली मैं सब में कोई 4:30 तक उठ जाता हूँ. टुडे वॉक अप समय अराउंड 7:30. तीन घंटा लेट मतलब हर काम आज लेट लेट चलेगा. एनीवेज वीडियो हैज बीन अपलोडेड 9 AM वाला ऑन टाइम. अभी चलते हैं, पहले शॉपिंग करके आते हैं. सो स्क्रैम्बलर निकलेगा फॉर द चिकन एंड एग्स. मेरा फटा हुआ बैकपैक आप देख सकते हो, यही फटा हुआ बैकपैक मैं यूज़ करता हूँ अपना चिकन शॉपिंग के लिए स्क्रैम्बलर में. लेट्स राइड गेट द चिकन एंड देन विल रीच ऑफिस. अभी इसके लिए भी कवर लाना पड़ेगा. आज यशवंतरन कवर लेके इसमें डाल देते हैं. अभी ये जितना जितना मतलब ये गाड़ी साला जी से इतना बड़ा है, तभी देखो यहाँ से स्क्रैम्बलर को निकालना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना. यहाँ अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से ये सट के निकल जाएगा. फिर ये वाला अगर स्क्रैच हुआ 50-60 हज़ार का चूना लग जाएगा. सो अभी इसको पहले साइड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसको निकालेंगे. चिकन वाला स्टोर को एंड स्क्रैम्बलर आज निकला है मे बी 10-15 दिन के बाद. अभी इसका ओनली ये वाला जो स्ट्रैप है, इसका जो रहता है ना एग्जॉस्ट वाला रैप, वो वाला बस ओनली आने का है. वो आने के बाद स्क्रैम्बलर का काम खत्म. चिकन अभी लेके चलते हैं. ओ माय गॉड, यहाँ तो मेन ये तो स्क्रैम्बलर का बाप है. मेन स्क्रैम्बलर तो यही है. हेडलाइट देखो इसका, वाह. ये तो हार्ली को भी कस्टमाइजेशन में काट के चले जाएगा. आगे ऊपर में लगा हुआ है क्लियर वाटर का लाइट्स एंड दिस इज लिमिटेड एडिशन हेडलाइट. उसके बाद जाके हॉर्न भी लिमिटेड एडिशन. लवली. चलो चिकन शॉपिंग इज ओवर. अभी अंडा भी लेने के लिए घर में बोले हैं, बाकी अंडा ये बैग में नहीं जा सकता. सो अंडा के लिए अभी कार लेके फिर आना पड़ेगा. इट्स ऑलरेडी 10:30, मेरे को 11 बजे से पहले स्टूडियो भी पहुँचना है. दैट्स राइट. सो ये है मेरा वो फटा वाला बैग. अभी इसके अंदर चिकन ऐसा पैक होके गया तब देख सकते हो. सो दिस इज हाउ 3 लेयर वाला. ये एक है फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये है सेकेंड लेयर, उसके बाद उसके अंदर और एक है थर्ड लेयर. मतलब चिकन का टोटल प्रोटेक्शन हो गया. हियर गोज योर चिकन. सो चिकन हैज बीन डिलीवर्ड. आज का लंच ये है चिकन राइस एंड दाल. सो अभी चिकन ऑलरेडी प्रिपेरेशन शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो. अभी इसके साथ आज राइस, बहुत दिनों के बाद आज राइस एंड दाल एक होगा. राइस दाल चिकन है वो कुछ मज़ा ही कुछ और रहता है. एंड ये एक नेट जियो वाला बैग आप देख सकते हो. ये वाला मैंने खरीदा था शायद 2010 या फिर 11 में, ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक 10 ईयर्स. एंड अभी तक ऐसा ही है. जब मैंने ये खरीदा तब तो नेट जियो वाला मतलब तभी शुरू किया था बैग्स बेचना. एंड बैक देन इट वॉज समवेयर क्लोज टू लाइक 150 या 200 डॉलर जस्ट फॉर दिस स्मॉल बैग. अभी तो मे बी ये $50 में ही मिलता है. अभी में भी ये बैग मिलता ही नहीं होगा, दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट इट. अभी मैं फेंकता भी इसको सेल भी नहीं करता, क्योंकि नेट जियो का ये सबसे फर्स्ट बैग मतलब यूएसए में जब उनको प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया सबसे पहला उन्होंने सेल करना शुरू किया था. दिस इज द बैग फ्रॉम द फर्स्ट बैच. आई स्टिल कीप इट, लुक्स नाइस, यू कैन सी दैट. अभी इसके अंदर आराम से आप एक कैमरा तो रख ही सकते हो. एक कैमरा पूरा मस्त से फिट हो जाता है. इंटीरियर सब कुछ रेडी हो गया है. आराम से एक कैमरा फिट एंड गुड टू गो. एंड और एक बैग भी अभी गिफ्ट आया हुआ है सोनी इंडिया से. ओला बैग में टोटल उसको मूव करेंगे अपना सब सामान. अभी मैनफ्रोटो बैग से निकाल के टोटल सोनी वाला नया बैग में डालते हैं. देखते हैं वो बैग कैसा है, मतलब ड्यूरेबल है कि नहीं. अच्छा तो दिख रहा है साइज में. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिग बैग. मेरे को लगा था एक छोटा वाला बैग कुछ वो भेजेंगे, बाकी जो बैग उन्होंने भेजा है इट्स सो बिग. मतलब इजिली कैन बी यूज एज ए डेली ड्राइवर एज वेल. देखते हैं कैसा बैग है वो. सो यही है अपना सोनी इंडिया से यही वाला बैग आया हुआ है गिफ्ट. सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक. पूरा फुल्ली फ्लेज्ड बैकपैक है. लैपटॉप रख सकते हो, कैमरा भी रख सकते हो, लेंस भी सारा कुछ रख सकते हो. अभी अपना ये वाला मैनफ्रोटो, दिस इज माय डेली ड्राइवर राइट नाउ. अभी यहाँ से सब सामान निकाल के इसमें अभी मूव करते हैं एंड लेट्स सी इफ इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर माय डेली जॉब्स टू द स्टूडियो एंड ऑफिस और नॉट. लेट्स सी. चलो अपना बैग इज पैक्ड एंड दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक वंस इट्स पैक्ड विद ऑल ऑफ द स्टफ. अभी ये वाला बैग में सबसे बेस्ट है एक कैमरा एंड एक लेंस, उतने के लिए ठीक है. क्योंकि यहाँ एक आप आईपैड रख सकते हो, लैपटॉप भी रख सकते हो, यहाँ चार्जर्स वार्जर्स भी रख सकते हो एंड एक कैमरा आराम से रख सकते हो. यहाँ अपना मास्क बस रह गया, वॉलेट भी रह गया, यहाँ चाबी वो गॉगल्स एंड एवरीथिंग हैज बीन पैक्ड. सो यहाँ एक बड़ा वाला चेन है, फिर यहाँ एक बड़ा वाला चेन है, यहाँ पूरा अपना कैमरा का स्टोरेज एंड यहाँ टॉप में एक और बड़ा वाला स्टोरेज, यहाँ फिर लैपटॉप एंड आईपैड. एवरीथिंग लुक्स गुड. एंड मेरा डेस्क में देखो क्या क्या है. अभी Aventador G63. So Aventador is like daily driver and G63 is daily driver. This is like a weekend driver. अभी खरीद तो नहीं सकते, बाकी देख तो सकते हैं. That is the reason I have bought the scale models.
स्केल मॉडल्स ही देखने के लिए अच्छा लगता है। चलो वी नीड टू गेट रेडी राइट नाउ एंड लीव फॉर स्टूडियो। हाँ, टाइम राइट नाउ इज 1 PM। दो घंटा लगा मेरे को ये वाला वीडियो खत्म करने के लिए। सो द बिटकॉइन ओडिया वीडियो इज डन। अगर आपको हिंदी वाला वीडियो देखना है तो वो वाला मेरे को कमेंट्स में बताओ। सो आई नीड टू लीव फॉर होम राइट नाउ। कल से मैंने खाया नहीं, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन लाइक 18 आवर्स। अभी घर चलते हैं, विल हैव राइस दाल एंड चिकन, लेट्स ड्राइव। टाइम हो गया है 1:20 एंड अभी जो सबसे पहला काम है मेरे को जाके पहले अंडा का पूरा रैक खरीदना। मैं कभी भी अंडा 2, 3, 4 ऐसा नहीं खरीदता, पूरा रैक खरीदता, क्योंकि रैक इतना जल्दी खत्म होता है मालूम नहीं पड़ता। दिन रात हर वक्त अंडा अंडा अंडा, लेट्स ड्राइव। चलो अपना अंडा वाला रैक इज पैक, लेट्स ड्राइव टू होम। लंच ऑन टेबल। ग्रोसरी शॉपिंग आई गेस। So let's go after lunch. चलो अभी का प्लान वही है, let's finish the lunch. And आज मेरा actually plan था कि दो चैनल में लाइव जाना था, सोम चैनल चैनल पे भी लाइव जाना था, ऑडिटो का चैनल पे भी लाइव जाना था। क्योंकि सुबह से जो 3 घंटा लेट में भी चल रहा हूँ, लाइव कब जाऊंगा मालूम ही नहीं है। अगेन अगर लाइव जाता हूँ आज भी दिन में तो Q&A हो जाएगा। Now let's finish the lunch, फिर जाके ग्रोसरी शॉपिंग करके आएंगे। उसके बाद अगर टाइम रहेगा आई नीड टू प्रोसेस द फाइल्स, उसके बाद अगर होता है लाइव जाएंगे। टाइम हो गया अभी 5 PM। मैं आके थोड़ा खा पी के थोड़ा 1 घंटा सो गया। नॉर्मली मैं कभी वीकडेज में कभी सोता नहीं हूँ, बाकी संडे मेरे को एटलीस्ट आधा घंटा फिर 40 मिनट का थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो थोड़ा आज मतलब बहुत दिनों के बाद एक थोड़ा आधा घंटा रेस्ट लेके अभी पूरा फ्रेश होकर फिर मैं अभी जा रहा हूँ वो ग्रोसरी शॉपिंग वॉपिंग करके। एंड सिंस इट्स संडे, थोड़ा चीट डे होना चाहिए, थोड़ा कुछ मीठा तो होना चाहिए। विल हैव सम मीठा, विल फिनिश द ग्रोसरी, देन कम बैक एंड एडिट द वीडियो। एंड अभी मैं लेके भी गया हूँ अपना ये वाला बुक, तो ये वाला बुक का भी मैं रीड करूँगा बिकॉज माई वाइफ इज गोइंग टू गो फॉर द ग्रोसरी। एंड जानते हो लड़की लोग जब जाते हैं ग्रोसरी या फिर कोई भी शॉपिंग के लिए बहुत टाइम लेते हैं। सो फॉर दिस आई ऑलवेज टेक कीप वन बुक इन द कार। अभी ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ दिस इज रिच डैड एंड पुअर डैड, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स का गियर मतलब। बट मैंने जितना पढ़ा है अभी तक आई एम डन विथ लाइक मोस्टली लाइक 120 पेजेस और 140 पेजेस। मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट श्योर कि वाई पीपल रिकमेंड इज रीडिंग दिस बुक। बाकी एनीवेज अभी पूरा खत्म करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। रेडी? फोन भी धरी कैसे लाए जीवा? ए मीठा यू वांट टू हैव टुडे? यस। व्हाट? रसगुल्ला, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। फॉर मी केसर पेड़ा, केसर पेड़ा इज द मेन वीकनेस। अभी ये गाड़ी चलाएगा, ट्रक ड्राइवर इज बैक। ऑडी ले दे, ये गाड़ी चले दे ठीक है, स्पीड रे ठीक है, चले दे स्पीड रे, लेट्स ड्राइव। ओफो, बहुत लोगों ने कहा था कि भाई अब अपना फुल डे का व्लॉग बना के डालो तब अच्छा लगेगा। सो दिस इज लाइक माई फर्स्ट डे फुल डे का व्लॉग, मतलब पूरा दिन का शुरुआत से लेके एंड तक। इट्स नॉट एंड येट, मतलब 6:15 हुआ, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा एडिट करूंगा, उसके बाद आई विल बी गोइंग फॉर द वर्कआउट, उसके बाद जाके डिनर, देन आई विल स्लीप। नॉर्मली मैं सो जाता हूँ वही एट मैक्स 10:30-11 तक मैं सो जाता हूँ। सो अभी मेरे को एंड करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड टू गो रीच होम एंड एडिट द वीडियो फॉर द ओडेरोका चैनल फॉर द 9 PM वीडियो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर दिन ऐसा पूरा पूरा डे का व्लॉग बनाऊँ, मेरे को नीचे कमेंट से बताओ एंड विल ट्राई टू मेक द वीडियोज एवरी डे पूरा दिन के शुरुआत से लेके एंड तक। बाकी एनीवेज मेरा ज्यादा रहता है मतलब होल डे में सबसे ज्यादा काम रहता है, मतलब काम ही मैं करता हूं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही काम कम दिखाऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। सो मे बी जब जहां कुछ भी अगर छोटा मोटा होता रहता है वो वाला चीज मैं कवर करके आपको व्लॉग में डाल दूं। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो। एंड चलो आउट्रो बजू।